बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो है वीकेंड का व्लॉग, सैटरडे और संडे का। तो सैटरडे को हम लोग गए थे बीच पे, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसने हमारा ना सर खाया हुआ था, मुझे बीच पे जाना। तो फिर शाम को जो है उसके पापा कहते चलो इसको ले जाते, सुबह से कह रही है। तो फिर ग्रॉसरी वगैरह ला के सारा कुछ सैटरडे को, क्योंकि सारे काम होते हैं करके, तो फिर हम निकले थे 7 या 8 बजे के करीब निकले थे, क्योंकि 8:30 हुए थे जब हम पहुंचे थे बीच पे। तो वो तकरीबन आधा घंटा लग जाता है क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती, आधे घंटे से ज़्यादा लगा मुझे लगता है। हम लोग निकले थे कोई 7 बजे शायद, तो 8:30 हम वहाँ पहुँचे थे। हम चक्कर लगा लगा के कहीं हमें पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, स्पेशली वीकेंड्स पे बहुत रश होता है। हम बीच पे मोस्टली जो है इसी टाइम जाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो सारे जो इटालियंस होते हैं ना वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, बस थोड़े से कुछ रह जाते हैं कोई बच्चों वाले जो होते हैं, तो बाकी सारे जो यंग होते हैं वो सारे चले जाते हैं। तो इसलिए हम जो है ना इस टाइम जाते हैं कि सही रहता है इस टाइम, क्योंकि दिन को कोई हालात नहीं होते यहाँ पे जाने वाले बीच पे, तो आराम से फिर हम जो सुकून से बच्चे खेल के तो 1-2 घंटे तो फिर हम वापस आ जाते हैं, और बच्चे तो निकलने का नाम ही नहीं देते वहाँ से। तो बस पार्किंग ढूंढ रहे थे हम, बड़ी मुश्किल से दूर कहीं पार्किंग मिली थी, फिर वहाँ से हम इतना पैदल चल के तो फिर हम जो है वो बीच पे पहुँचे थे, क्योंकि इधर जो नज़दीक जहाँ से ये आपको व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल नहीं मिल रही थी हमें। तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोग चले गए थे लेकिन फिर भी पार्किंग नहीं थी, तो हम दूसरी जगह पे गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ से हम पैदल आए, तो फिर हम जो है बीच पे पहुँचे थे। तो आप साथ साथ इंजॉय करें बीच के व्यूज़, और साथ साथ मैं आपको जो है मेरा लास्ट व्लॉग में जो मेरी स्टोरी आधी रह गई थी वो सुनाऊंगी मैं आज आपको। तो आई होप आप बोर ना हो मेरी स्टोरी सुन के, लेकिन मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं किससे जो है वो इंस्पायर हुई, किसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा ना वो दिल किया कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। वो वीडियो देखने से पहले मुझे कुछ नहीं पता था कैसे करते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल भी नहीं मुझे पता था YouTube पे एडिटिंग वीडियो की कैसे करते हैं सारा कुछ। मुझे लगता था कि सब कुछ लैपटॉप से हो सकता है, तो लैपटॉप जो है वो मेरे पास नहीं था, मेरे पास फ़ोन था, टैबलेट था, तो मैंने कहा इससे तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं चैनल स्टार्ट कर सकती। तो ऐसे ही रमज़ान में मेरे जो है उससे पहले मैं नहीं उनको जानती थी जिनकी वीडियो मैंने देखी, तो वो मैंने ऐसे ही मेरे ना सर्च करते करते ना ऐसे ही वो वीडियो मेरे सामने आ गई, तो उससे पहले मैं नहीं जानती थी उनको। तो जब मैंने वीडियो देखी तो फिर मुझे पता चला कि वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो फिर उनकी बाकी वीडियोस मैंने देखी थी, तो जिनसे मैं बहुत कुछ मैंने सीखा, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो है मरियम परवेज़, सब जानते होंगे शायद पता चल गया होगा कि बहुत फेमस है मरियम परवेज़। तो मरियम परवेज़ का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से जो है मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, उनकी वीडियो वो वाली देख के मुझे बहुत कुछ पता चला कि कैसे एडिटिंग करते हैं, कौन कौन से ऐप हैं, क्या कुछ करते हैं, और फ़ोन से हर चीज़ हो सकती है। तो मैं ये समझती थी कि फ़ोन से एडिटिंग नहीं होगी, वॉइस ओवर कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं पता था, तो थंबनेल कैसे बनाते हैं ये भी नहीं पता था, तो सारा कुछ मैंने मरियम परवेज़ से सीखा, और मैं उनकी बहुत बहुत मशकूर हूँ, उनकी बहुत बहुत उनका मुझे वो मिले तो मैं उनका थैंक यू करूँ कि उनकी वजह से मैंने जो चैनल स्टार्ट किया, और मतलब मेरी लाइफ में एक कहने चेंज आया चैनल स्टार्ट करने से। पहले मैं बिल्कुल इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो चैनल स्टार्ट किया तो मुझ में बोलने का भी कॉन्फिडेंस आ गया हर चीज़, मतलब मैं कहती थी कि मेरी आवाज़ कोई सुनेगा तो मुझे शर्म आती थी कि सब मेरी आवाज़ सुनेंगे। तो ये है कि मैं सब लड़कियों को ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग चैनल स्टार्ट करें, बहुत इसमें आपके लिए ना वो होता है, आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है, आप इंजॉय करते हो, आपको एक अच्छी फीलिंग होती है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से तो हर किसी को चैनल स्टार्ट करना चाहिए, और चैनल स्टार्ट करने से पहले मरियम परवेज़ की वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो उसका मैं आपको बताती हूँ, सब लोगों ने काफ़ी, क्योंकि उसके मिलियन, तो उनकी वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, और यूट्यूब के बारे में टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं उन्होंने बताई हुई हैं उसमें। तो 1 मिलियन से ज़्यादा उनकी वीडियो पर व्यूज़ हैं,
तो वो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उन्होंने काफी अच्छे सिंपल तरीके से समझाया हुआ है सबकी समझ में, मेरी समझ में मुझे तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था। और उसके बाद अगले दिन ही मैंने जो है सारा वक्त मैंने सारे ऐप जो है उन्होंने बताए वो मैंने इंस्टॉल किए अपने ऐप स्टोर से, और फिर नेक्स्ट डे मैंने अपना जो है ना चैनल बना के तो मैंने वीडियो बना के तो अपलोड कर दी थी। तो काफ़ी मुझे हेल्प मिली मरियम परवेज़ की उस वीडियो से। तो और भी मैंने बाकी बहुत सी वीडियोस देखी थी लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जब मैंने वो देखी इनकी ये वीडियो यूट्यूब पे तो फिर मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई थी। वरना पहले तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी वॉइस ओवर का, मुझे नहीं पता था कि वो कैसे होगी, मतलब लैपटॉप के बगैर कैसे होगा, फ़ोन से सब कुछ कैसे होगा। तो ये है कि उन्होंने काफ़ी आसान कर दिया सब। आई थिंक कितने लोगों ने वो चैनल वो वीडियो देख के चैनल अपने स्टार्ट किए होंगे, मुझे तो ऐसे लगता है। तो बस जी यही थी मेरे जो नेक्स्ट जो मेरी इंस्पिरेशन थी जिनसे मैंने सीखा वो है मरियम परवेज़। तो काफ़ी माशाल्लाह से वो फेमस है, उनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो बस उनके हज़ारों लाखों करोड़ों फ़ैनों में से मैं भी एक फ़ैन हूँ। तो बस जो है पाकिस्तानी मॉम लाइफ इन अमेरिका जो है जो व्लॉगर हैं उनके व्लॉग्स देख के मुझे उनसे भी सीखने को मिला, क्योंकि उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। वो अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब वो जो करती हैं वो सिर्फ वही दिखाती हैं। तो उन्हें देख के बहुत मेरा दिल चाहा कि मैं भी जो है वो अपने ऐसे रूटीन शेयर करूं अपने डेली, वो डेली तो नहीं करती, वो वीक में आई थिंक 2 या 3 व्लॉग्स वो डालती हैं यूट्यूब पे। तो मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं डेली शेयर करूं, लेकिन डेली करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे बहुत उन लोगों पर हैरत होती है, मतलब रश्क होता है कि जो लोग डेली व्लॉग बनाते हैं बच्चों के साथ, तो बहुत उनकी हिम्मत है क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना घर का काम, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है बाहर कोई हेल्प नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, खाना बनाना, बच्चों को देखना, सफाइयाँ करना, ईच एंड एवरीथिंग खुद ही करना पड़ता है। तो फिर जो है वो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। मैं तो पहले जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते होंगे कि पहले तो मैं महीने के बाद कहीं एक व्लॉग लगाती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा ऐसे तो मेरा चैनल ग्रो ही नहीं करेगा। तो फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं हफ्ते में 2 तो होने चाहिए व्लॉग्स। तो इसलिए फिर मैंने जो है अब वो थोड़ी मैं इसके अपनी YouTube को लेके थोड़ा मैं ज़्यादा मेहनत मैं करना चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, तो हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो मेरा चैनल जो है वो ज़रूर ग्रो करेगा इंशाल्लाह, अगर मैं रूटीन के साथ अपने वीडियोस शेयर करूँ जो है वो अपलोड करूँ YouTube पे। क्योंकि अगर मैं महीनों महीनों नई चैनल पे अपने कुछ वीडियो अपलोड करूँगी तो जो सब्सक्राइब मेरे चैनल करेगा वो कहेंगे ये तो क्या है मुसीसी है, एक व्लॉग डालती फिर इसको याद ही नहीं होता व्लॉग डालने के नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीक में 2 शेयर जो है वो ज़रूर अपलोड, 2 व्लॉग अपलोड ज़रूर किया करूँगी। तो बस सोचा तो ये हुआ है, अब अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे और टाइम निकाल के मैं जो है अपने इस इरादे पर कायम रह सकूँ। तो इंशाल्लाह वीक में 2 व्लॉग्स तो मैं लाजमी अपलोड किया करूँगी, और हो सकता है 3 भी कर दूँ लेकिन फ़िलहाल सिर्फ 2। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अगर आप लोग पसंद करें मेरे व्लॉग्स को, तो फिर मैं हो सकता है 3 भी व्लॉग्स अपलोड करूँ वीक में। तो व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि डेली रूटीन अपनी शेयर करना। तो वो तो होता ही है कि बंदा चलो रूटीन के वीडियो कर ले, शूट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसको वॉइस ओवर करना, उसको एडिट करना, वो बहुत ज़्यादा टाइम उसके लिए चाहिए होता है। तो जी बातों बातों में जो है वो हम वापस भी आ गए हैं, और बीच के आपको सारे मैंने नज़ारे भी करा दिए हैं। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और आ नहीं रहे थे वापस दोनों बहन भाई जो वो कह रहे थे हमने जाना ही नहीं है, मतलब रात हो गया, आपने देखा होगा अभी ये जो टाइम हो रहा है ना ये 10:30 बजे का टाइम है। तो मैं कहूँ मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है, मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं समझ रही शायद अभी ना 9 या 9:30 हुए होंगे। तो जब हस्बैंड से पूछा वो कहते हैं 10:30 हो रहे हैं, मैंने कहा इसीलिए मुझे इतनी भूख लग रही है। तो फिर उसके बाद हम लोग गए जी पाकिस्तानी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो बड़ी मेरी ख्वाहिश थी और हस्बैंड को मैं रोज़ कहती थी मुझे यहाँ से खिलाएं यहाँ से। पहले भी एक दफ़ा पहले मैंने स्टार्ट में जब आई थी तो बच्चे अडीशा थी तो तब इनका मैंने पिज़्ज़ा खाया था। तो उसके बाद फिर जो है वो इनके वो चेंज होते रहते थे शेफ़, तो जो हस्बैंड कहते हैं कि नहीं ना इतना अच्छा नहीं होता, मैं कहती थी नहीं आप ऐसे कहते हैं आपको ला के देना पड़ता है क्योंकि थोड़ा दूर है हमारे इधर से, आधा घंटा लग जाता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा तुम देखना।
तो वो आज बाय चांस कहते हैं चलो मैं तुम्हें ना खिलाता हूँ यहाँ का पिज़्ज़ा। एक दफ़ा पहले घर लेके आए थे तो वो मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने कहा शायद ताज़ा ताज़ा वहाँ पे बैठ के खाना मज़े को। तो हम जी इतना यही मसला वो हुआ कि पार्किंग यहाँ पे भी नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से दूर करके पार्किंग मिली और मेरी बेटी थक गई है चल चल के, तो दूर पार्किंग मिली वहाँ पे खड़े करके फिर हम जो है वो पैदल इतनी दूर, मतलब दूर ही मेरे लिए तो दूर ही था, मतलब 10-15 मिनट हम पैदल चल के तो हम लोग गए जी वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने। तो पिज़्ज़ा जब हमने खाया तो मैंने एक ही जब बाइट ली तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और हस्बैंड ने मंगवा भी दो लिए, और बच्चे तो आपको पता है आजकल जो है वो वेजिटेबल्स और ये शिमला मिर्च कैप्सिकम और वो क्या होता है कॉर्नस, बेबी कॉर्नस लगे हुए थे ऊपर और अनियंस उन्होंने इतने ज़्यादा डाले हुए थे, तो बच्चे तो आजकल ऐसी चीज़ें खाती नहीं। मैं जो घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल होता है, तो मुझे पहले ही पता था कि इसने नहीं, और उन्होंने मुझसे पूछा दो जो है वो ऑर्डर कर, तो भाई बहुत ही मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं आया, पता नहीं कैसे लोग इनका पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे तो मैं कई गुना अच्छा मैं खुद बना लूँ घर में पिज़्ज़ा। तो बस फिर मैं तब बोली नहीं हूँ, मैंने कहा अगर मैं बोली तो हस्बैंड ने कहना आ गए तुम्हें मज़ा खा के, तो मैंने बोला कि ना मैं खा लिया, फिर एंड पे स्लाइस बच के हस्बैंड की भी बस होगी मेरी भी बस होगी, मैंने कहा मैं और नहीं खा सकती, मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब खाया पिज़्ज़ा, मतलब नीचे ही नहीं मेरे हल्क से जा रहा था, मैं कही क्या पिज़्ज़ा, और इतना ऑयली था पता नहीं क्यों, और पिज़्ज़े में ऑयल तो होता नहीं, पता नहीं क्या उन्होंने किया हुआ था, ऑयल भी था पिज़्ज़े में। और यहाँ पे अर्सल ने म्यूज़िक सुना, अर्सल उतर के जो उन्होंने अपना डांस करने शुरू हो गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पिज़्ज़ा। तो हस्बैंड कहते हैं देख लो मैं तुम्हें इसीलिए कहता था कि ना खाओ तुम घर में बना के खाओ, मतलब इनका इससे अच्छा तो इटालियन का मार्गरीटा जो होता ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अब हम यहाँ पे पहुँच गए आखिरकार, तो पहले बच्चों ने वो कोक को ख़त्म किया, तो फिर ज़ाहिर है कोक पी के उसके बाद इनके पेट में जगह नहीं बची, और वैसे भी नहीं थोड़ा सा रिशा ने खाया था उसको अच्छा ही नहीं लगा, तो पिज़्ज़े की शक्ल तो बहुत अच्छी थी ये देखें, लेकिन जो है ना बिल्कुल मुझे नहीं पसंद आया, तो यहाँ से छोड़ दिए थे, नहीं पेट में जगह ही नहीं थी, तो ऊपर से अगर मज़े का होता तो फिर भी मैं खा जाती, लेकिन मज़े का ही नहीं था। तो बस फिर हम और हस्बैंड कह रहे थे अगर तुम अब इनकी वो खा लेती ना, मैं कह रही थी कि ना चिकन कढ़ाई और नान वगैरह कुछ ऑर्डर करते हैं, हस्बैंड कहते अगर तुम वो खा लेती तो तुमने तो बस फिर वहीं पे ना तुम्हारा काम हो जाना, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्होंने खाई हुई थी। तो ये है जी नेक्स्ट डे का संडे का क्लिप है कल का, तो ये देखें ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी लंबी भिंडी देखी, मैं देख के हैरान हो गई मुझे इतनी लंबी भिंडी, बाकी तो उसके ये देखिए मम्मी डैडी हैं भिंडियों के ये जो लंबी वाले ये पापा है, छोटी वाली जो भिंडी है वो इनकी जो है वो मामा है, बाकी सारी छोटी छोटी भिंडियाँ हैं। तो ये बहुत लंबी थी, मैंने सच में पहली दफ़ा देखी इतनी लंबी भिंडी, तो हाथ से भी मेरे लंबी थी। तो ये हम संडे का है, तो शाम का टाइम था, तो मैंने कहा भिंडियाँ बना के रख दूँ क्योंकि जाना था बच्चों ने लूना पार्क, तो ये मैं इसका ऑयल निकाल रही हूँ, पहले टिश्यू पेपर मैंने डाला है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लिया था भिंडियों ने ऑयल, तो ऑयल वाली चीज़ें आजकल जो मैं खाती हूँ ना मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब अजीब सा ना खाने के बाद फिर ना इसे दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है अगर ज़्यादा ऑयल हो चीज़ों में। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने ऊपर भी टिशू से इसको किया और नीचे वाला भी फुल ऑयली हो गया था, हालांकि मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला था। तो बस भिंडियाँ हो गई थी रेडी, तो मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने क्योंकि लूना पार्क जो है वो 9-9:30 बजे के करीब ही अच्छा मज़े वाला उसमें फ़न होता है लोग आते हैं, तो मुझे भूख लगी थी मैंने पहले खा लिया, फिर हस्बैंड को बना के दी, फिर हम हुए रेडी और उसके बाद हम गए थे लूना पार्क। तो लूना पार्क भी इतने शौक से बच्चे गए, लेकिन वहाँ जाके अर्सल ने इतना तंग किया, मतलब वो जिस गाड़ी में बैठ जाता था वो कहता था मैंने इसमें से बाहर नहीं निकलना तो उसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, एक से बड़ी मुश्किल से एक रिशा उसमें बैठी गाड़ी में, तो वो कहते मैंने इसमें बैठना वो सेफ़ नहीं था, तो हस्बैंड कहते नहीं इसमें नहीं बिठाना, इसने छलांगे लगानी है तो ये ना गिर जाए चलती गाड़ी में से, तो बड़ी मुश्किल से उधर से इसका ध्यान हटाया तो दूसरी में बैठा पापा के साथ, तो फिर इसने जो है वो वहाँ से निकले ही ना, कहता मैंने तो निकलना ही नहीं मैंने तो इसी में बैठना है, इतना इसने रोया इतना रोया इसने इतना तंग किया, तो फिर मजबूरन हमें ना इसको वापस लेके आना पड़ा, तो फिर जो है वो दोनों बेचारे रोते हुए वापस आए, हम जल्दी वापस आ गए थे 1 घंटे में वापस आ गए थे क्योंकि अर्सल को संभालना वहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी ये जो है 9:30 बजे का टाइम है और देखे अभी रोशनी है क्योंकि यहाँ पर जो है अंधेरा ना 10 बजे के करीब ज़्यादा फुल डार्क जो अंधेरा होता है ना वो 10 बजे के करीब होता है इनमें समर्स में। ये हम पहुँच गए लूना पार्क,
इतना ही फन हुआ हमारा लूना पार्क में। तो फिर हम आ गए वापस। तो अब नेक्स्ट वीक अरीशा जाएगी अकेली पापा के साथ, अरसल को मैं घर में रखूँगी। तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी थी घर आके, फिर मैंने और अरसल ने जो खाया वाटरमेलन और अरीशा ने पिया जूस। तो बस यहीं पे हो गया हमारा वीकेंड का फन ख़त्म। तो बस अब हम घर जा रहे हैं और आई थिंक 11 बज गए थे हमें घर जाते जाते। तो हम पहुंच गए हैं घर और यहीं पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं और मज़ीद और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।